भारत में इस वक्त एक बहुत ही बड़ी डिबेट है कि जो इंडियन नेशनलिज्म है वो किस तरफ जाएगा, क्या ये हिंदू नेशनलिज्म होगा या कोई भारतीय हेरिटेज है, और जो लेफ़्ट के लोग हैं चाहे वो भारत में बसते हों चाहे वो दुनिया भर में बसते हों, ख़ास तौर पर एक्सट्रीम लेफ़्ट के, तो उनको इंडियन नेशनलिज्म की जब भी बात आती है तो वो उसको जो और दुनिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट है उनके साथ वो जोड़ते हैं और एक डेंजर उसको डिक्लेयर करते हैं, स्पेशली भारत का अपना जो लेफ्ट है। क्या भारत का अल्टीमेट फ्यूचर वो जो सेकुलरिज्म है वही है, मगर उस सेकुलरिज्म को भी हमने देखा कि वो सेकुलरिज्म असल वाला सेकुलरिज्म तो है ही नहीं। सेकुलरिज्म तो ये कहता है सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदू रिलीजन को तो निकाल दिया गया, बाकी रिलीजन्स को ख़ास तौर पर इस्लाम को अंदर ले आए गए और वो भी सेकुलरिज्म नहीं रहता। सेकुलरिज्म अगर भारत में अपने ट्रू स्पिरिट में ट्रू मीनिंग में होता तो फिर तमाम कम्युनिटीज़ को एसिमिलेट करता, लिबरेट करता, मगर ऐसा नहीं किया गया, बल्कि मुस्लिम लॉ बोर्ड बनाया गया, ट्रिपल तलाक की इजाज़त दी गई और वो सेकुलरिज्म के नाम पर सेकुलरिज्म का मजाक उड़ाया गया। मैं तो यही कहूँगा इन सब बातों पे, ये सब सेंसिटिव मुद्दे हैं, इन सब बातों पे बातचीत के लिए मैंने इस वक्त अपने साथ जोड़ा है अहमदाबाद से एक बहुत ही बड़ी स्कॉलर और इन सारे चीज़ों पर नज़र रखने वाली डॉक्टर नीरजा अरुण गुप्ता जी को। हम इनसे सीखेंगे और सीखते रहेंगे। डॉक्टर साहब वेलकम, आपको हम अपने साथ जोड़ रहे हैं। मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया कि क्या सेकुलरिज्म भारत में, अब वो सेकुलरिज्म वाला जो है नेशनलिज्म भारत में सेकुलरिज्म वाला चलेगा या कोई भारतीय हेरिटेज है इन इटसेल्फ जो एक दूसरे से जोड़ती है तमाम कम्युनिटीज़ को, वो वाला सेकुलरिज्म, या फिर जो दुनिया कहती है कि हिंदू नेशनलिस्ट छा जाएंगे, तो ये क्या सारा नैरेटिव है? क्या दुनिया समझ नहीं रही? क्या भारत की इस वक्त की सरकार समझा नहीं पा रही? तो क्या सिचुएशन क्या है? देखिए, भारत के संदर्भ में सेकुलरिज्म की एक ही व्याख्या है, वो है भारतीयता की। शुरू से ही जब कोई और धर्म नहीं भी थे तब भी ऋग्वेद में एक सूक्त आता है कि अलग अलग रंगों की गाय हैं मगर उन सबका दूध एक ही रंग का निकलता है। इसी तरह बाकी के धर्म के जो मानने वाले हैं उनका सार एक ही है। ये तब की बात हम कह रहे हैं जब और धर्मों का कहीं पदचिन्ह नजर नहीं आते। तो भारत के संदर्भ में धर्म निरपेक्षता, सब धर्मों का आदर, सब धर्मों को उनको प्रोफेस करने की छूट, प्रोग्रेस करने की छूट, प्रपगेट करने की छूट, यही संविधान का आर्टिकल 25 कहता है और यही भारतीय मानते हैं। इसी संदर्भ में विश्व भी भारत को सेकुलर की नज़र से देखता है। अपने अपने परिचय में लेफ्टिस्ट की बात की, उनके किले ढह रहे हैं, शायद ये अंतिम लड़ाई है क्योंकि बहुत लड़ाइयाँ अभी उनके पास थीं जो वो नहीं लड़ सके, 370 में कुछ नहीं कर सके, अयोध्या में नहीं कर सके, ट्रिपल तलाक में नहीं कर सके। अब यहाँ उनको ऐसा लगता है अगर हम इस मुद्दे को लपक लें तो शायद कुछ अस्तित्व बचा रह जाएगा। तो ये सिर्फ JNU जामिया से केरल तक के 2-3 कैंपस की लड़ाइयाँ हैं, इनसे भारत के सेकुलरिज्म पर मुझे नहीं लगता उस फैब्रिक पर कोई आँच आने वाली है। देखिए, आपने जिस मुद्दे का इशारा किया और वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA, जिस पे कुछ प्रोटेस्ट हुए और हमने देखा कि जैसे ही मोदी साहब का एक बहुत बड़ा रैली के साथ खिताब है जो 2 रोज़ पहले ही सामने आया, जिसमें उन्होंने रामलीला मैदान दिल्ली में वाज़े किया और उसके बाद वो जो प्रोटेस्ट हैं वो जैसे डाई डाउन हो गए। और आपने कहा कि ना तो जो ट्रू स्पिरिट ऑफ सेकुलरिज्म है उस पर फ़र्क पड़ेगा, ना नेशनलिज्म पे फ़र्क पड़ेगा, अगर दिल्ली में 2 प्रोटेस्ट हो जाते हैं, कहीं असम में हो जाते हैं, कहीं यूपी में हो जाते हैं, वो तो अब वैसे भी डाई डाउन होना शुरू हो गए। वो तो मेरे नज़दीक जो CAA है एक बहुत ही छोटा मुद्दा है, अब लोगों को जैसे ही समझ आना शुरू हो गया वो हो गया, मगर मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में ये समझना चाह रहा हूँ कि भारत पर इस वक्त ख़ास तौर पर एक एलिगेशन लगा रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से कि ये भारत में एक हिंदुत्वा की जो है एक लहर चलेगी, ये अब नेशनलिज्म हिंदुत्वा का होगा। पर्सनली तो हिंदुत्वा को मैं बुरा नहीं समझता, वो बिल्कुल और है। तो क्या आप
क्या देखती हैं कि ये जो वेस्ट का या एक्सट्रीम लेफ्ट का भारतीय नेशनलिज्म पर जो एक ये एक एलिगेशन है कि ये अब हिंदू शेप बनेगी समाज की, तो इसमें क्या बुरी बात है, क्या अच्छी बात है, कैसे समझाएंगे आप? ताहिर साहब, वेस्ट तो बाद में कहता है, पहले तो भारत की अपनी विपक्षी पार्टियां ये मुखर होकर कहती हैं। अब अगर हम पीछे इतिहास पे जाएं तो जितने भी एक ब्रॉड वे में संसद के काम है, आज जिन कामों को मोदी जी कर रहे हैं वो तो एक्चुअली पुराने सरकारों के कामों को पूरा कर रहे हैं। जैसे ये CAA का मुद्दा है, CAA का मुद्दा 1955 में जो भारतीय नागरिकता बिल बना उसमें बड़ा क्लियर है, Article 8 और Article 9। Article 8 कहता है कि कट ऑफ डेट क्या होगी, तो कट ऑफ डेट 1935 होगी, 1935, जो कि अनडिवाइडेड इंडिया था। आज क्वेश्चन उठता है ये 3 ही देश क्यों, ये 6 ही धर्म क्यों, और इसी के नाम पे चला दिया कि ये हिंदू राज्य बनने जा रहा है। अब लियाकत और नेहरू पैक्ट में तो भाजपा का कोई रोल नहीं था, मोदी जी का रोल नहीं था। लियाकत नेहरू पैक्ट कहते हैं दोनों देशों में जो माइनॉरिटीज हैं उनकी संपत्ति की, उनकी अस्मिता की और इमूवेबल प्रॉपर्टी की रक्षा करना उन दोनों सरकारों का ही कर्तव्य है, धर्म भी है, और उनको सहायता भी करनी चाहिए। ये पैक्ट करके आपने रख दिया, फिर आपने क्या अपने एक्ट में कोई प्रावधान किए, क्या उनको कोई सहूलियतें दी, नहीं दी। आसाम अकॉर्ड राजीव गांधी जी ने किया, NRC उसमें लिखा कि हम NRC कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट डांटती रह गई UPA की गवर्नमेंट्स को, जब तक NDA की गवर्नमेंट को भी डांट नहीं पड़ी सुप्रीम कोर्ट से, तब NDA को ये उठाना पड़ा। इतने सारे काम जो UPA ने या कांग्रेस की सरकारों ने शुरू किए और फिर अपीजमेंट की तरफ मुड़ गए, मुस्लिम संतुष्टिवाद या तुष्टिकरण पे मुड़ गए, और उससे देखा कि अगर हम इसे करेंगे तो या तो हिंदू समाज को फायदा होगा या मुस्लिम इतर समाज को फायदा होगा। तो ऐसे काम जब आज की सरकार पूरे कर रही है, ये इनिशिएट नहीं कर रही है सरकार, ये तो पूरे कर रही है, तो उनके पूरे करने में आप एक भ्रम फैला रहे हैं और उस भ्रम को आप बड़े सिस्टमेटिकली वेस्ट तक ले जा रहे हैं। वेस्ट के मीडिया को, यहाँ के पत्रकार भी इंटरव्यू दे रहे हैं, फेक वीडियोस भेजी जा रही हैं, फेक आइडेंटिटीज पोस्ट की जा रही हैं, तो ये एक कॉन्स्पिरेसी जैसा एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि भारत की जो इस समय की सरकार है वो हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाह रही है। तो फिर सवाल ये है कि आफ्टर ऑल अगर हिंदू राष्ट्र तो वो नहीं बनाना चाहते, मगर एक हिंदू हेरिटेज को लाने में क्या बुराई है? जहां हम वेस्ट में रहते हैं तो हमारा जो एक ओवरवेलमिंगली जो एक हेरिटेज है वो क्रिश्चियन हेरिटेज है। आजकल क्रिसमस हम मना रहे हैं, नया साल आने वाला है, तो हम क्रिसमस की लाइट्स हर जगह देख रहे हैं, किसी को महसूस नहीं होता, चाहे मुस्लिम्स रहते हों यहाँ पर हिंदू रहते हों, उन सबको अच्छा लगता है। तो वहाँ पर भी दिवाली होती है, होली होती है, मंदिरों का एक अपना एक हुसन होता है, तो वो क्यों खटकता है? उसको देख के आपने कहा वेस्ट तो दूर की बात है, जो अपने अंदर रहने वाले लेफ्ट के जो हिंदू हेरिटेज के लोग हैं और हत्ता के भारत के जो मुस्लिम हेरिटेज के जो लेफ्ट के लोग हैं उनका हेरिटेज भी तो हिंदू ही बनेगा ना, भारतीय ही बनेगा ना, अगर हिंदू लफ्ज़ पे वो एलर्जिक हैं तो क्या फिर वहाँ पे ये चिंता क्यों हो जाती है? यहाँ पे तो रहते हैं उनको कोई चिंता नहीं होती, भारत के लेफ्ट के जो लोग यहाँ पे बसते हैं वो तो क्रिसमस की लाइट्स को बहुत पसंद करते हैं, कभी उसके खिलाफ विरोध नहीं करते, या जो मुस्लिम लेफ्ट के लोग हैं वो भी नहीं करते यहाँ पे, तो वहाँ चिंता क्यों है, यहाँ तो चिंता नहीं होती उनको? देखिए, एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि अगर आपको वेस्ट से रिकॉग्निशन मिलेगा तो ही आप इंडिया के स्कॉलर समझे जाएंगे, इंडिया के नेता समझे जाएंगे, इंडिया के धार्मिक नेता समझे जाएंगे। आपने बड़ा सुंदर शब्द यूज किया, अपनी हेरिटेज। अपनी हेरिटेज रहने कहाँ दी, किताबों से निकाल दी, स्कूलों से निकाल दी, समाज से निकाल दी, हर जगह डिस्को संस्कृति ले आए, हर जगह कॉमर्शलाइजेशन हो गया, चाहे गरबा हो, चाहे पूजा हो, चाहे किसी और तरह के त्योहार हो, तो अपनी हेरिटेज के ऊपर गर्व करें ऐसा माहौल नहीं रह गया था। अब जब से ये सरकार आई है पिछले 5.5 साल से, तब से एक नया वातावरण क्रिएट हो रहा है कि हम अपनी जो विरासत है, अपनी लीगेसी है, अपनी सभ्यता है, अपनी संस्कृति है, उसे सेलिब्रेट कर सके। ये एक बात जैसे हजम नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसमें उनको सामने हिंदू कंसोलिडेट होता नजर आ रहा है,
तो अब उन्होंने एक नया डिवाइड शुरू किया है, वो है मुस्लिम और दलित को एक बना दो और दलित्स को कहो कि तुम अब हिंदू नहीं रहे हो, विदाउट रियलाइजिंग कि ये जो दलित कंटेंट है ये क्रिश्चियनिटी में भी है, बौद्ध में भी है, इस्लाम में भी है, ये कोई एक अलग खाली हिंदू का एक दलित नहीं है। तो बहुत ज़्यादा उनके अस्तित्व पे बात आ गई है। तो चोट कहाँ करें? उस जगह चोट करें जिस वजह से हिंदू का कंसोलिडेशन होना शुरू हुआ है। इसलिए संस्कृति को नकार रहे हैं, संस्कृति की बात नहीं मानते हैं, और कोई भी अधिनियम अगर उसमें किसी भी धर्म से लगा हुआ कोई शब्द आ जाता है तो उसमें सबसे बड़ा शोर ये सांप्रदायिक है, हम फैनेटिक हो गए हैं, भारत हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है, ऐसे आरोपों की बौछार करके बड़ा सिस्टमेटिक कॉर्डन ऑफ करके सरकार पर प्रहार हो रहा है। आपने कहा कि बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से वो एक तरह से अटैक हो रहा है, और आपने ये भी कहा कि जैसे दलित और मुस्लिम कार्ड को इस्तेमाल करने का एक बार फिर रुझान बढ़ा, लेकिन मुझे तो ये कभी रुझान ख़त्म ही होता नज़र नहीं आता। ये तो हम 7 डिकेड से देख रहे हैं कि ये रहा, बल्कि मुस्लिम्स और दलित्स की जो मेजॉरिटी है उन्होंने भी फील किया, और इसीलिए मोदी सरकार को उन्होंने ओवरवेलमिंगली वोट दिए, पहले इलेक्शन 2014 में भी, 2015 में भी। तो वो तो उन कम्युनिटीज़ ने ख़ुद भी महसूस किया कि हम मार्जिनलाइज होकर नहीं रहना चाहते, हम मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मगर वहाँ पर इनको मार्जिनलाइज करने के लिए या वो प्रमोशन उसकी करने के लिए वो काम रुकता नज़र नहीं आ रहा। उस काम के लिए बीजेपी क्या काम करती नज़र आ रही है आपको, यानी उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए? शायद ऐसा परसेप्शन लग रहा है कि ये काम रुक नहीं रहा क्योंकि उसमें एक कॉमन फैक्टर मुस्लिम का आ जाता है, लेकिन आप देखें तो वो बड़े एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। वो पहले मुस्लिम्स के साथ हिंदू कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, मुस्लिम्स के साथ दलित कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, मुस्लिम के साथ आदिवासी कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, अब नया आ गया है तो मुस्लिम के साथ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। मतलब वो एक एक्सपेरिमेंट के दौर पे हैं। विपक्षी पार्टी समझ नहीं पा रही वो कौन सा वार होगा जो ज्यादा समय तक चलेगा। जैसा आपने देखा कि एक बार एक प्रोटेस्ट अभी जो हुआ पिछले 6 दिन में एक शहर में एक ही दिन हुआ, दूसरे बार दूसरे दिन दूसरे शहर में हुआ वो भी एक ही दिन हुआ, यानी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। लेकिन हाँ ये बात सही है, वो ये मैसेज देने में सफल हो रहे हैं कि नए शहर में फिर से एक प्रोटेस्ट हो जाए, लेकिन उनकी जो तैयारियां हैं वो कन्फ्यूजन में है। हमारी जो कमी हमें लगता है भाजपा सरकार की थोड़ी सी हो सकती है कि हम प्रोएक्टिव होकर शायद पहले उसको नहीं संभाल रहे हैं, वेट कर रहे हैं अगर कहीं से आक्रमण होगा तो हम जवाब देंगे। जवाब देने में सफल होते हैं नो डाउट, लेकिन क्या हमारी यही टैक्टिक रहेगी कि हम रिस्पॉन्सिव रहेंगे और उसको हम प्रोएक्टिव ना हो, इस बात पर हमें ज़रूर सोचना पड़ेगा। देखिए मुझे तो अब वाज़े तौर पर लग रहा है कि सीए के जो प्रोटेस्ट उसके ख़िलाफ़ हुए, अब जब से सीए के सपोर्ट में रैलीज शुरू हुई हैं तो एक तो उन रैलीज के सामने वो प्रोटेस्ट अब डाई डाउन हो रहे हैं, दूसरा वो प्रोटेस्ट के अंदर शायद जिसे नेचुरल जान होती है वो नहीं थी तो वो भी उन्होंने ख़त्म होना। मेरे लिए वो मुद्दा शायद छोटा है, बड़ा मुद्दा है कि जो एक ऑनगोइंग ऑनस्लॉट होगा बीजेपी पर, या मैं समझता हूँ वो बीजेपी पर नहीं होगा, एक्चुअली अगर दिल से समझा जाए तो भारतीय समाज पे होगा। वो ऑनस्लॉट ये है कि ये एक हिंदुत्व की नेशन बनने जा रहा है। अच्छा, मैं पर्सनली उसको हिंदुत्व को ना तो नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ देखता हूँ, ना हिंदू हेरिटेज को नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ देखता हूँ, बल्कि वो तो सबका विकास लेने वाली कॉनोटेशन है। मगर वो बार बार कह रहा है लेफ्ट का मीडिया या जो सुपरफिशियल जर्नलिस्ट होते हैं कि जी असल में ये एक क्वेश्चन है कि क्या भारत एक हिंदू समाज बनेगा या उसको मॉडर्न स्टेट बनना है। तो क्या इसमें क्या फ़र्क है? क्या भारत का हिंदू हेरिटेज रहते हुए वो मॉडर्न स्टेट नहीं बन सकता? ताहिर जी, पिछले कुछ महीनों की बात पे हमें नज़र करनी होगी, आज खाली सीएए से हम इस बात का उत्तर नहीं दे पाएंगे। ये जो हिंदू मुखर होकर शब्द और भावना बाहर आई है उसके बड़े रीजन्स हैं। पहला रीजन है 370 की धारा को बदलना,
डिलिमिटाइजेशन करना जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का, उसको करने का बहुत बड़ा मतलब है। उसको करने का मतलब है कि भारत, इतना बड़ा पूरा वृहत भारत का, जो अखंड भारत का जो एक स्वरूप है, उस स्वरूप को आपने इन अबेयंस नहीं रखा, उसको पूरा करता हुआ दिख रहा है। तो अब डर है कि अखंड भारत है तो क्या सीमाएं सिर्फ यहीं तक हैं या आगे तक जाएंगी। बहुत बड़ा मैसेज 370 से मिला। दूसरा अयोध्या का मसला, अयोध्या का मसला तो इतना ज़्यादा उलझा दिया था और इस तरह का माहौल क्रिएट हो गया था कि जैसे हिंदू अगर राम की बात भी करता है तो सब टूट पड़ते थे कि ये काल्पनिक हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, आप इन डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट कराइए, आप प्रूफ कीजिए राम का जन्म उसी जगह उसी भूमि पर हुआ। इतने मसले खड़े किए, इतने सवाल खड़े किए, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर बनेगा इस पक्ष में निर्णय आना, ये भारत के समाज के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। ये जो मैसेजेस आने धीरे धीरे शुरू हुए हैं, उससे पहले ट्रिपल तलाक, जो बहनों को एक तरह का अधिकार मिला, उनको अन्याय के सामने, उससे कितना कुछ था जो उससे वो बची, तो ये मैसेजेस जैसे ही आने शुरू हुए मोदी सरकार के दूसरे रजीम में, इससे पॉलिटिकल जो एक नैरेटिव है वो ऐसा खड़ा करने की कोशिश की गई कि ये सारे मुद्दे वो ले रहे हैं अपनी प्रायोरिटी पे जिससे हिंदू समाज का भला हो रहा है या जिससे मुस्लिम समाज को अपना हक मांगना पड़ेगा। इसलिए आप जब प्रोटेस्टर से बात करते हैं वो कहते हैं हमें भी कागज दिखाने होंगे, मतलब उन्हें कुछ ऐसा सिखा दिया जो सच नहीं है। तो ये नैरेटिव पॉलिटिकल पार्टीज ने जब खड़ा किया है, इससे उनकी हड़बड़ाहट दिखती है। हिंदू स्वरूप इतना विराट है, हिंदू का मेरे ख्याल से कोई इतने उदाहरण हैं, शक हैं, हूण हैं, कुषाण हैं, उसके बाद मुगल भी आए, सब इसमें समाते चले गए हैं। तो जिसका सर्वनिहित सभ्यता का एक संस्कार रहा हो, उस सभ्यता पे मुझे नहीं लगता कोई पार्टी आएगी राज्य करेगी तो उस पार्टी का कहीं बड़ा उसका नेचर कोई चेंज कर देगा। देश का नेचर अपने आप में हिंदू है, अपने आप में ये हिंदू मान्यताओं से चलने वाला है। इसीलिए भारतीय मुसलमान दूसरे देशों के मुसलमानों से अलग दिखता है, भारतीय ईसाई दूसरे देशों के ईसाइयों से अलग दिखता है, वो भारतीयता है उसमें। भारतीयता बड़ा सुंदर, बड़ा सौम्य और बहुत वृहत, बहुत बड़ा एक गुण है। आपने बड़ी अच्छी बातें की और आपको जो कंसर्न नज़र नहीं आते वो मैं समझ सकता हूँ। जब मैं भी भारत जाता हूँ तो इतना बड़ा देश है, वहाँ पर वो मुद्दे नहीं हैं, वो डिबेट्स इतनी बड़ी नहीं हैं जितनी हमें वेस्ट में रहते हुए भारत के हवाले से नज़र आती हैं। आपने बड़ी अच्छी पीछे बात की कि यहाँ वेस्ट में भी जो परसेप्शन भारत के ख़िलाफ़ बनाने की कोशिश होती है वो भारत के अपने ही कुछ एक्सट्रीम लेफ़्ट के लोग हैं वो ये करते हैं, मगर वो अपनी जगह पे हैं। मैं आपको डॉक्टर साहब यहाँ वेस्ट में रहते हुए डे एंड नाइट बताता हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल वो भारत के एक्सट्रीम लेफ़्ट के लोग, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के जो मानने वाले लोग हैं, वो ये सारा का सारा क्वाइन करते हैं भारत के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा। ख़ास तौर पर वो फिर ये लाते हैं कि मॉडर्न एक थ्योरी लाते हैं कि असल में भारत में अब वो मॉडर्न स्टेट होल्ड का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो टूटता जा रहा है और बीजेपी की वजह से वो हिंदुत्व का आ रहा है। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी अपनी कमेंट्री शामिल करूँगा, फिर आगे आपकी बात को लेकर चलता हूँ डॉक्टर साहब। यहाँ पर मैंने जो बात पीछे की कि वेस्ट में एक ओवरवेलमिंगली जो करेक्टराइजेशन है कल्चर की वो है वेस्टर्न कल्चर की और वो क्रिश्चियनिटी पे बेस करती हुई है, और जो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है। भारत में अब हम देखते हैं कि ख़ास तौर पर बीजेपी सरकार सेकंड ने भी कॉन्स्टिट्यूशन को वही रखा जो एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और वो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो सेकुलरिज्म के नाम पर धब्बा था, यानी रिलीजन को वो एकोमोडेट करते थे। यहाँ पर भी कनाडा में कोई रिलीजन को एकोमोडेट नहीं करते, इसी तरह मोदी साहब ने कहा कि रिलीजन को एकोमोडेट करने वाली जो क्लॉजेज हैं उनको निकालेंगे, जैसे ट्रिपल तलाक की क्लॉज है, उन्होंने कहा कि हम ये 370A को निकालेंगे इसलिए कि इससे मुस्लिम्स को मार्जिनलाइज किया जा रहा है पर्टिकुलरली इन कश्मीर में, वो निकाला, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को और सेकुलर किया। इसी तरह CAA को लेकर आए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को और सेकुलर करेंगे, जो प्रोसिक्यूटर माइनॉरिटीज़ हैं
उनको लेकर आएंगे। और ये बातें पहली सरकारों ने की थी, इन्होंने सिर्फ इम्प्लीमेंट किया। मगर कंसर्न ये है मेरी कमेंट्री के साथ कि इस वक्त भारत के जो पॉलिटिकल जो एलीट्स हैं, ख़ासतौर पर बीजेपी को, उनको शायद ये एहसास नहीं हो रहा कि यहाँ अमेरिका कनाडा के मीडिया में ये सिर्फ भारत का लेफ्ट का नहीं है प्रॉब्लम, ये अब वेस्टर्नर भी आ गए उसमें कि ओहो भारत तो अब पता नहीं कोई एक्सट्रीम वर्जन पे जा रहा है। इसमें कुछ हम मुझे एक नाकामी महसूस होती है कि भारत को कंसर्न नहीं है, आपको कंसर्न नहीं है चूँकि आप बहुत बड़ा देश हैं, मगर यहाँ पर जो बात है वो आगे नहीं चलने में मदद दे रहे भारत की इस वक्त की सरकार, कि हम बताएं वेस्टर्न वर्ल्ड को कि ऐसा नहीं है। देखिए, पिछले कुछ समय से जो पॉलिसीज बनी है, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर हो, चाहे एग्रीकल्चर पॉलिसी हो, चाहे बैंकिंग पॉलिसी हो, इन सब पॉलिसीज में एक राष्ट्रवादिता का स्वरूप रहा है। एक होती है लाउड पॉलिसीज, एक होती है सॉफ्ट पॉलिसीज। आप सही कह रहे हैं, जो वेस्ट तक जा रही हैं वो लाउड मैसेजेस जा रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी हो रहे हैं, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, अयोध्या का हो, CAA का हो, एक के बाद एक बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। यहाँ के समाज इसलिए अछूते रह रहे हैं क्योंकि यहाँ के समाज के लिए उसी से मिलती जुलती छोटी छोटी पॉलिसीज बीच बीच में आती जा रही हैं। तो लोगों को वो तो दिख रहा है जो बड़ा हो रहा है, लेकिन नेशनलिज्म से लगती हुई जो देश की एक धारा है वो भी एक नई तरफ जा रही है, ये भी दिखता है। इसलिए जब हम यहाँ रहते हैं तो हमें वो बड़े मुद्दे उतने पोलराइज्ड होते हुए नहीं नजर आते, जो कि शायद वेस्टर्न वर्ल्ड को वो पोलराइज्ड मुद्दों की तरह नजर आते होंगे। दूसरी बात ये है कि पिछले कुछ समय से हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज, हमारी सोशलिस्टिक पॉलिसीज, हमारा जो एक ढांचा है, समाज का ढांचा है, उसके हर कोने में राष्ट्रवाद गया है। चाहे वो लोगों के अपॉइंटमेंट्स के थ्रू गया हो, चाहे वो पॉलिसीज के थ्रू गया हो, चाहे वो मेक इन इंडिया या बड़ी जो हमने स्टार्टअप इंडिया के जो थीम्स बनाई उसमें भी कई तरह से एंटर हुआ है। तो राष्ट्रवाद कई जगह पर सीप इन हुआ है। अब कई लोग उसके लिए मानसिक तैयार हैं, कई लोग उस नए ढांचे में जुड़ रहे हैं, कई नहीं भी होते हैं, लेकिन जो लाउड मैसेज वेस्ट से वापस आता है, हम फिर से उन्हें ही अपने डिबेट का हिस्सा बनाने लग जाते हैं और उसी भंवर में फिर हमारे सारे जो नैरेटिव्स हैं वो चलने लगते हैं। जब हम यहाँ रह के समाज को देखते हैं तो देखते हैं कि काफ़ी हद तक फार्मर्स के सुसाइड रुके हैं, एक स्टार्टअप का माहौल कॉलेजेस में यंग बच्चों के लिए आया है। तो ये जो सटल चेंजेस हैं, इन सटल चेंजेस को शायद हमें और बड़ा करके बताने की ज़रूरत है, जो राष्ट्रवाद थियरीज के साथ साथ अंदर आया है, जिसमें नेशनल कंसर्न्स बहुत बड़े हैं, लेकिन शायद वो इतने धीमे से किए जा रहे हैं कि उनका प्रभाव दिख नहीं रहा है। आपने कहा कि जो वेस्टर्न एक नैरेटिव बनता है भारत के हवाले से, पर्टिकुलरली आजकल, वो लाउड होके भारत में आता है मगर वो कंसर्न भारत के लिए नहीं है। मैं आपसे एग्री करता हूँ, आपके लिए, भारत में रहने वालों के लिए, भारतीय सरकार के लिए वो कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। लेकिन मैं फिर ये बात दोहराता हूँ, अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, वो यहाँ पर एको करता रहता है और उसमें भी आपने मेरे से पार्शली बल्कि ज़्यादातर एग्री किया कि उसमें थोड़ी एफर्ट की ज़रूरत है कि सही बताया जाए। जैसे यहाँ पे एक वेस्टर्न जर्नलिस्ट ने मुझसे जब डिबेट की कि ये RSS, उसने कहा कि कोई तालिबान टाइप है, मैंने उसको बताया कि ऐसा नहीं है, तो फिर उनको कुछ बात समझ आई, कहने लगे अगर ये ऐसा नहीं है तो फिर ये RSS, चूँकि देखिए ये एक रियलिटी है कि RSS BJP के साथ जुड़ी हुई है और उसमें कोई बुरी बात नहीं, उनका जो आइडियोलॉजिकल अलायंस है वो इम्पॉर्टेंट है, और RSS को जिस तरह मैं स्पिरिचुअल लेवल पे या सेवा के लेवल पे देखता हूँ वो एक बहुत पॉजिटिव कॉनोटेशन है। लेकिन RSS के बारे में भारत से कोई ऐसी बात वेस्ट को नहीं इको होती कि ये एक्चुअली क्या है ऑर्गेनाइजेशन, कोई वो उसके बारे में जो परसेप्शन एक नेगेटिव बना हुआ उसको ब्रेक नहीं किए करने के लिए भारत की तरफ से कोई एफर्ट्स हमें देखने को मिलती, तो ये मैं इस पर आपका तबसरा जानना चाहूँगा। RSS जिस तरह से मैं देखती हूँ वो एक ग्रूमिंग संस्था है, वो व्यक्ति का निर्माण करती है
उसका काम समाज में जाके ये ढिंढोरा पीटना नहीं है कि मैंने ये व्यक्ति बनाया, मैंने ये पद के ऊपर का व्यक्ति मेरे अंदर से निकला है। वो बहुत धीमे से आदिवासी क्षेत्रों में काम करते हैं, प्राकृतिक आपदाओं में काम करते हैं। व्यक्ति के चरित्र निर्माण में जो कुछ भी क्रिएट करना हो, चाहे वो सामाजिक या सांस्कृतिक वातावरण क्रिएट करना हो, कभी कभी उनके राजनीतिक ग्रूमिंग भी करनी होती है, तो बड़ी कठिनाइयों में ये आरएसएस के प्रचारक अपना काम करते हैं। और फिर जब वो कैडर के लिए तैयार हो जाते हैं तब उसमें से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में भेजे जाते हैं। तो आरएसएस का मूल काम अपने आप को मीडिया के सामने लाके ये बताना नहीं रहा है अभी तक। आते भी हैं तो बहुत कम, साल में एक या दो बार लोग आते हैं, तो ये गुंजाइश होना स्वाभाविक है कि लोग इसकी तरफ संदेह से देखें कि भाई ये क्या है जो इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी बन के निकल रही है। तो ज़रूर से आरएसएस अपने आप में उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ संस्था होगी। बीजेपी का मैं आपसे बिल्कुल ये इत्तेफाक रखती हूँ, ये ड्यूटी बनती है बीजेपी की कि जो भी नैरेटिव उनके काउंटर नैरेटिव की तरह डेवलप हो रहे हैं, फिर चाहे वो आरएसएस के बारे में हो रहे हो, सरकार के बारे में हो रहे हो, समाज के कौन सा वाद यहाँ चल रहा है, राष्ट्रवाद चल रहा है, मार्क्सवाद है, समाजवाद है, उसके जवाब देने हैं तो प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। यहाँ की हर उस यूनिट को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा जिसके ऊपर बाहर की दुनिया के इस परसेप्शन का असर पड़ता हो। तो शायद हम उतने प्रोएक्टिव नहीं है, प्रोएक्टिव अगर हैं तो भी शायद डिलेड मोड में है, तुरंत नहीं हम उसको काउंटर कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यही एक कमी इस समय दिख रही है। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हेरिटेज के रिवाइवल की एक ओवरवेलमिंगली डिबेट भी है और कॉन्शियस भी जो भारत में है, ये आपको किस तरफ आज के भारत को लेकर जाता नज़र आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ सोशल कोहेरेंस, तो कैसे आप देखती हैं? देखिए, बहुत सटल तरीके से इस हेरिटेज को लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल्स की तरह मोदी जी लेकर आए हैं। फिर चाहे वो वाराणसी की गंगा आरती हो, कश्मीर का शिव मंदिर हो, या और किसी शहर में आने वाले हर एक हेरिटेज सिटी को उन्होंने ट्विन सिटी से जोड़ दिया है, किसी को जापान के ट्विन सिटी से जोड़ा गया है, किसी को यूरोप के ट्विन सिटी से जोड़ा गया है। ये किस तरह एक लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल आ रहा है, ये अब इसके प्रभाव आने शुरू हो गए हैं जब हम टूरिज्म के आंकड़े देखते हैं जो जंप कर रहे हैं, या कि प्रॉस्पेरिटी के लेवल देखते हैं। अभी भी इस डाटा को सामने आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन क्योंकि हेरिटेज से जोड़ा है इसलिए गरीब से गरीब तबका भी उससे जुड़कर अपना काम करने के लिए माहिर लगता है। अगर इसको शायद फ्रंट डेस्क जॉब की तरह ऊपर ऊपर या कॉरपोरेट लेवल पे किसी को आउटसोर्स कर दिया होता तो जो जैसा कि कई इमारतों का हाल है शायद वैसा ही रह जाता कि टूरिस्ट आते एक चक्कर लगा के चले जाते। मगर ये जो साथ साथ में बाजार हैं, एग्जीबिशंस हैं, कॉरिडोर्स हैं, इनका निर्माण जिस तरह से किया जा रहा है, हेरिटेज हमारी इतनी बड़ी संपदा है, ये रियलाइज करके जो लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल्स अब खड़े किए जा रहे हैं, इन्होंने हेल्प करना शुरू कर दिया है लोकल कम्युनिटी को। बनारस अपने आप में एक पूरा पैकेज है, प्रयागराज एक पूरा पैकेज है, हरिद्वार ऋषिकेश पूरा पैकेज है, केदारनाथ को तो खुद मोदी जी ने कितनी बार जाके खुद प्रोपोगेट किया, वहाँ की गुफा में खुद बैठ के पूरी रात मेडिटेशन किया, अब वो गुफाएं वहाँ की टूरिस्ट गुफाएं हो गई हैं। तो कई मॉडल्स उन्होंने ऐसे दिए जो बिल्कुल टिपिकल रिलीजियस कल्चरल मॉडल्स हों। इसके अलावा जो कल्चरल पार्ट है, फूड का है, कपड़ों का है या त्योहारों का है, वो भी बहुत पैकेज की तरह मार्केट किए जा रहे हैं। भारत की यूनिवर्सिटीज़ को ये ताकीद की गई है कि आप इंडिया के ही 4-5 और स्टेट्स को अडॉप्ट कीजिए और पूरे साल में कम से कम एक यूनिवर्सिटी 5 स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज़ के बीच में अपने यंगस्टर्स को लाएंगी, ले जाएंगी, एक एक रीजनल लैंग्वेज ज़रूर पढ़ाइए। तो ये जो कल्चरल कनेक्ट है ये उस डिसकनेक्ट को रोकेगा जो कि ऊपर से आता था या भाषा के चलते आता था, अंग्रेजियत के चलते आता था। तो कल्चर एक सॉफ्ट पावर है, इसका बहुत अच्छा रियलाइजेशन इन दिनों भारत को हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपसे हम इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पे बातचीत करते रहेंगे
और ख़ास तौर पर जो आपने कुछ बातें की उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो मैं आगे लेकर चलना चाहूँगा। जब आप अखंड भारत की बात करते हैं, अंग्रेजियत को जिस तरह आप देखते हैं, ये वो बातें हैं जो हम आगे लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन ये हम अगले अपने किसी एपिसोड में लेकर चलेंगे। कोई बात जो आज के शो में आप महसूस करें कि मिस हुई हो और वो होना लाजमी बनता हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिए आगर में। मुझे लगता है भारत की जो जनता है उसको इस सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, और कुछ काम ऐसे जो वो खुद भूल भी गई थी वो सरकार जब करके आती है तो उनको याद आता है कि हाँ ये भी एक मुद्दा था। तो सरकार के प्रोएक्टिव होने से यहाँ जनता खुश है उसका, इसीलिए बार बार उसको सहयोग भी दे रही है और उनको चेयरअप भी कर रही है। तो इसी नोट पे हम देखते हैं कि यहाँ का सेकुलरिज्म और यहाँ का जो नेशनलिज्म है वो दोनों भारतीयता से भरे हुए हैं। उनकी विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम डेफिनेशन नहीं दे सकते, भारत की अपनी डेफिनेशंस हैं और उन डेफिनेशन में सेकुलरिज्म भी और नेशनलिज्म भी जिंदा है। देखिए मैं चाह तो यही रहा था कि आपकी इसी नोट के साथ आज की गुफ्तगू ख़त्म करूं, मगर ऐड में ज़रूर करना चाहूँगा एक क्वेश्चन भी और उस पर कमेंट भी ले लेता हूँ। अभी मैंने पीछे बात की कि आपने अखंड भारत का जिक्र किया, अंग्रेजियत के कुछ वो जो एलिमेंट्स हैं नेगेटिव कॉनोटेशन वाले वो जिक्र किया। मैं जो समझ पा रहा हूँ जब अखंड भारत कहा जाता है तो वो भी भारतीय हेरिटेज है। जब कभी कभी अंग्रेजियत के नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स आते हैं भारत पे, उसका मतलब ये नहीं, ना आप ले रही ना मैं ले रहा, कि भारत को 21st सेंचुरी का एक मॉडर्न कंट्री नहीं बनना, बल्कि हम ये ले रहे हैं कि वो जो एक प्रोपेगेंडा है वेस्टर्न का वो अंग्रेजियत की नेगेटिव कॉनोटेशन है। क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ ये दोनों बातें? आपकी बिल्कुल ठीक नज़रिया है, क्योंकि इस देश को एक तरह से बांट दिया गया था, एक तरफ लुटियंस थे और एक तरफ देसी थे। अब वो जो गैप है उस गैप को हम कम होता देख रहे हैं। तो अब जब ये गैप कम होता है तो जिन लोगों ने लुटियंस वर्ड बनाए हुए हैं उन दुनिया में रहने वाले लोगों को नेचुरली तकलीफ होती है। इसी कोनोटेशन से हम अंग्रेजियत कहते हैं, अदरवाइज आधुनिकता से हमारा कोई विरोध नहीं है। आज का युवा भी आधुनिकता ही चाहता है, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि हम अपने हेरिटेज को भूल जाएं, भारतीयता को भूल जाएं, संस्कृति और संस्कारों को भूल जाएं। मूल से जुड़कर ही वृक्ष बड़ा हो सकता है, इस भावना से हम मॉडर्निटी को स्वीकार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीरजा गुप्ता जी, आपने समय दिया। इस वक्त बहुत देर थी रात की, आपने वक्त निकाला। आपसे बातचीत हम करते रहेंगे। व्यूज़, आपने बातचीत सुनी डॉक्टर नीरजा गुप्ता जी की, जो एक बहुत ही अहम स्कॉलर हैं, और जो हमारा मुद्दा था वो ये था कि क्या भारत में जो नेशनलिज्म की इस वक्त एक रिवाइवलिज्म है नेशनलिज्म का, क्या वो हिंदू हेरिटेज के साथ जुड़ेगा तो दुनिया को क्या इश्यूज इस वक्त आइडियोलॉजी के सतह पर आ रहे हैं। हमने यही डिबेट की कि वो जो जुड़ रहा है हिंदू रिवाइवलिज्म के साथ, उससे ना तो भारत के मॉडर्नस जो एक रास्ता है उस पर कोई रुकावट है, और ना ही भारत का वो जो एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कोई मसला है, बल्कि मेरी राय में और डॉक्टर नीरजा जी की राय में भारत का जो सेकुलर आइन है अपनी ट्रू स्पिरिट में वो और सेकुलर हो रहा है। वो सेकुलरिज्म की यहाँ इस्तलाह नहीं जो सेकुलरिज्म भारत में प्रैक्टिकली रहा, यानी वो सेकुलरिज्म के खिलाफ रहा। और इसी तरह भारत की जो अपनी हेरिटेज है और जो हिंदुत्व हेरिटेज है वो इनफैक्ट सेकुलरिज्म की वैल्यूज़ के साथ जुड़ी हुई है। वो हेरिटेज हज़ार हा साल पुरानी है, और सेकुलरिज्म का शब्द जो है वो बहुत ही नया नया है, डिक्शनरी में आया हुआ हार्डली कोई 100-200 साल की ये बात है, मगर वो पुरानी हेरिटेज इनफैक्ट एक्चुअल जो स्पिरिट है सेकुलरिज्म की उसके साथ जुड़ी हुई है। ये वो बातें हैं जिस पर डिबेट्स होनी चाहिए, और ये वो बातें हैं जो हम आपके साथ लेकर आएंगे आने वाले दिनों में और आते रहेंगे, ताकि वो जो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा है उसको भी हम समझ सकें, और जो असल स्पिरिट है भारत की एंशिएंट सिविलाइजेशन जो मॉडर्निस्ट वैल्यूज़ के साथ जुड़ी हुई है वो भी हम लेकर आते रहें। आज का बिला तकल्लुफ तजिया ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।